हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 13 अप्रैल और आज तक की जितने भी करंट अफेयर प्लस स्टेटिक जीके है उस पर यहाँ पे बात करेंगे, जो पीआईबी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डिफरेंट जो है हमारे न्यूज़पेपर से मिलकर बनी हुई है। तो वीडियो को सबसे पहले देखो, जिस भाई ने भाई जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और जो आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ए वासुदेव मोही, बी हमारा प्रोफेसर रामदर्श मिश्र, सी हमारा डॉक्टर के शिवा रेड्डी, डी हमारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो ए, इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो परिषद UNHRC से बेदखल करने के लिए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के में पारित हुआ है? तो ये रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, उत्तर कोरिया। तो रशिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा भाई, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वन डे एग्जाम के लिए हैं, जो फिर उसके बाद जो है स्टेट लेवल और जो UPSC लेवल के, तो समझते हुए चलना अच्छे से वीडियो को, एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना। जैसे बार बार चीजें आती हैं, यही जो हमें यही क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के देख लेना चाहिए। निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए, इसलिए मेरा जो मोटो रहता है कि भाई मैं पीछे का भी थोड़ा सा रिवाइज कराता रहा हूँ, मान लिया थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन उसमें आपके नवंबर के डाल दिए, कभी दिसंबर के डाल दिए, कभी अक्टूबर के डाल दिए, तो इससे पता चलता रहता है कि मिक्सर की कितने लेवल में हम। नीलम शर्मा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में हुई। इस पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कोई सही नहीं है, केवल एक दो तीन। तो एक दो इज द करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में जारी हुड रिचेस्ट सेल्फ वुमेन्स इन द वर्ल्ड 2000 की सूची में किरण मजुमदार शाह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा, जो इस सूची में वर्तमान में दुनिया के जो 124वां स्वनिर्मित महिला अरबपति सेल्फ मोड वोमेन जो मिलीनियर्स हैं, तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ये हमें जांच करना है। केवल एक और दो, तो इसमें सेकंड ठीक है, फर्स्ट जो गलत है। तो बी इज द करेक्ट आंसर बनता है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर पांच है, हाल ही में केतानजी ब्राउन जैक्सा किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली आश्रित महिला न्यायाधीश बनी है? ए ब्रिटेन, बी हमारा ब्राजील, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा कनाडा। तो अमेरिका इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, हाल ही में जारी एशिया विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ए 7.5, बी हमारा 6.2, सी हमारा 8.2, डी हमारा 5.6। तो 7.5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है, इन पे इनके बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपो जो रेपो दर 3.35 जो प्रतिशत रखी गई है। दूसरी, हमारी वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर जो 7.2 रहने का अनुमान है। तो पिक में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, केवल एक और दो। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? इंडोनेशिया, बी हमारा ब्रुनेई, सी हमारा मलेशिया, डी हमारा फिलीपींस। तो ब्रुनेई इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने KV कामत को नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा, मैं NAFID भारत के जो नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान DFI है। केवल एक, केवल दो, सी हमारा एक और दो, डी हमारा ना तो एक है ना दो। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कार्यकाल जो 3 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरा, RBI की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक है हमारा, इसमें जो 3 साल का कार्यकाल इनको बढ़ाने के लिए बात की गई है।
वो जो केवल दो, ये जो हमारा केवल ये जो, तो ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये 30 नहीं है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दूसरा है, पहला तो गलत हो गया। वर्ष 2014 के लिए पहली बार लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए उद्देश्य से मनाया गया था। तो इसमें हमारा कौन सा कथन है? तो दूसरे वाला सत्य है, लेकिन इसमें गुजरा कौन सा असत्य फाल्स है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो रामायण कैंट, फैजाबाद कैंट, रामभूमि कैंट, डी हमारा अयोध्या कैंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, अयोध्या कैंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में जो शौच मुक्त पहला राज्य बन गया? ए गोवा, बी हमारा पंजाब, सी हमारा हरियाणा, डी हमारा बिहार। तो ए गोवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सतह सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया? तो ए इसरो, बी हमारा डीआरडीओ, सी हमारा नासा, डी हमारा जक्सा। तो ये हमारा बी इज द डीआरडीओ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ए हमारा मौसम विज्ञान संगठन ने, WHO ने, जो बी हमारा संयुक्त राष्ट्र UN ने, और सी हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, और डी हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो सी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी की है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय CFCA फिक्की का जो महानिदेशक चुना गया? के माधवन, पी कर, अरुण चावला, डी अशोक भूषण। तो अरुण चावला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में जो 95.3 जो गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई है, यह रिपोर्ट 17वां संस्करण है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और दो। तो बी इज द करेक्ट आंसर, केवल दो सही है। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा रिपोर्ट विंड जो रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, इस रिपोर्ट का जो सी है 17वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2021 में पवन ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा अच्छा वर्ष रहा, लेकिन वर्ष जो पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को तेजी करने की बढ़ाने की आवश्यकता है, यहाँ तक कि नेट जीरो लक्ष्य का भी हासिल किया जा सके। जिससे इस रिपोर्ट के अनुसार नेट जीरो का मतलब है कार्बन जो जीरो का मतलब, की तरफ हमें अग्रसर होना। 93.6 GW क्षमता स्थापित की गई थी, जबकि 2020 में यह जो 95.3 GW स्थापित की गई थी। विंड एनर्जी की संचय क्षमता बढ़ाकर जो 837 GW रही है, और 2021 में जो 21.1 GW अपतटीय पवन खंड जो ऑब्जोर विंड सेगमेंट स्थापित किए गए थे। 00 लक्ष्य नेट जीरो गोल्स के लिए समानता स्थापित के उल्लेख ने वृद्धि का आह्वान किया, ताकि जो शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा किया जा सके नेट जीरो के लिए। कार्बन की भी बात की गई थी जो हमारी COP26 में, उसमें भी इस भारत ने रखा जो भारत ने जो लक्ष्य रखा है अपना, वो 2070 रखा है। इस रिपोर्ट का कहा गया कि जो मौजूदा गति है जो ना 2030 तक पवन ऊर्जा को क्षमता नेट जीरो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस तक जो ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का लक्ष्य कर रखने की सक्षम नहीं हो पाएगी। 2005 तक शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक पवन ऊर्जा प्रस्थानों का चौगुना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के दूर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के लिए ITR में एक मिसाइल प्रणाली जो सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रेंजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया। दूसरा है हमारा सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रेजिमेंट जो रेमजेट भारत रूस और संयुक्त रूप से विकसित की मिसाइल को प्रणोदक जो तकनीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, डी हमारा एक और दो, और डी हमारा ना तो एक और दो। इसमें दोनों ही हमारे गलत हैं। रक्षा अनुसंधान जो DRDO विकास संगठन DRDO ने जो उड़ीसा तट से चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में एक जो मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डॉक्ट रैमजेट SFDR बूस्ट का सफल परीक्षण किया। DRDO ने वर्ष 2017 में सबसे पहले जो SFDR का विकास करना शुरू किया था। वर्ष 2018 में जो होता था 2019 में भी सफल परीक्षण किए थे।
SFDR भारत रूस, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक जो मिसाइल परनोदक तकनीक है। SFDR जो तकनीक मिसाइल परनोदक प्रणाली है जो रैमजेट इंजन सिद्धांत का अवधारणा पर आधारित है। रैमजेट इंजन जो एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो वाहन की अग्रगति को उपयोग कर अपनी जो हवा से हवा घूम संपीड़न के दहन के लिए संपीड़ित करता है। रैमजेट में जो वाहन के अग्रगति को रोकने का उपयोग करके जो उच्च दाब उत्पन्न किया जाता है परनोदिक प्रणाली के मिलाई जाने वाली बाह्य हवा का गतिशील द्रव्य में बन जाती है। इससे रैमजेट तभी कार्य करता है जब वाहन पहले से ही चल रहा हो। जब वहाँ इंजन स्तर होता है तो रैमजेट काम नहीं करता। ये जो ध्यान रखने वाली बात है, यह सिस्टम ठोस ईंधन वाले रैमजेट इंजन का उपयोग करता है। ठोस परनोदिक रैमजेट के विपरीत रैमजेट उड़ान के दौरान वातावरण को ऑक्सीकरण लेता है। यह एक हल्का वजन में हल्का और जो अधिक ईंधन ले जा सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के अनुसार पहला निजी अंतरिक्ष जो यात्री मिशन का नाम तो एक्समोर्स मिशन, बी हमारा डॉट मिशन, सी हमारा लूसी मिशन और डी हमारा एक्समोस मिशन फर्स्ट है। डी इज द करेक्ट। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। यह ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स का पहला निजी क्रूज है। यह निजी अंतरिक्ष यात्री के लिए एक्सियोम है जिसे जो AXY के रूप में भी जाना जाता है। नासा ने वर्ष 2020 के लिए स्पेस स्टेशन के लिए एक कमर्शियल विंग डिजाइन करने के विकसित करने के लिए एक्सियोम का चुना था। यह ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए एक मिशन है। इस नासा के लिए फ्लोरिडा स्थित जो कैनेडियन स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया है। ये मिशन के लिए स्पेस एक्स को क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट और जो फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया है। इस मिशन में 4 व्यक्तियों को समूह को लॉन्च किया गया है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलिग्रिया इस मिशन के कमान संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है वहाँ पे, उनको हटा दिया गया है। ये किस राजनीतिक दल से हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डी हमारा अवामी नेशनल। तो ये पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी से हैं। देखते हैं व्याख्या। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार की नेशनल असेंबली में विश्वास मत खो दिया है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली इमरान खान के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान हुआ जिसमें जो वो हार गए और हार का सामना करना पड़ा उनको। इसके बाद जो इमरान खान ने देश के इतिहास को ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं कि जो पाकिस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पहले उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 11 अक्टूबर को जो नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए मतदान करेगी। 13 अप्रैल को नए स्पीकर का चुनाव होगा। अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग होने से पहले जो स्पीकर असम जो कैसर ने इस्तीफा दिया था इससे पहले असम कैसर ने मतदान के नतीजे संयुक्त विपक्ष को जो 342 सदस्य नेशनल असेंबली 174 सदस्यों के समर्थन मिला जो प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए आवश्यक बहुमत 172 से अधिक रहा है। इमरान खान निचले सदन में उपस्थित नहीं थे। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के सांसदों को बहिर्गमन किया। संयुक्त विपक्ष के पहले जो ऐलान कर दिया था बता दिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अध्यक्ष शहबाज शरीफ उनके तुरंत संयुक्त उम्मीदवार होंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने चिथिराई उत्सव को आयोजन किया गया? ए उड़ीसा, बी हमारा तमिलनाडु, डी हमारा सी हमारा राजस्थान, डी हमारा उड़ीसा। तो ये तमिलनाडु में किया गया भाई। ये क्या तमिलनाडु के मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए चिथिराई उत्सव शुरू किया गया। जो मदुरई मंदिर है तमिलनाडु में वहाँ से चिथिराई उत्सव शुरू किया। उत्सव के दौरान मीनाक्षी मंदिर में अपने पारंपरिक झंडा फहराने के साथ
जो प्रत्येक वर्ष 12 दिनों के लिए धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है। इस उत्सव में लाखों की संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। जो चित्रई उत्सव मीनाक्षी कल्याणम और जो मीनाक्षी थिरु कल्याणम के जो नाम से भी जाना जाता है, यह तमिल महीने चित्रई के दौरान मनाया जाता है। यह उत्सव देवी मीनाक्षी भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य शादी का प्रतीक है। चित्रई महोत्सव के पूरे उत्सव हो जाने के कारण कार्यक्रम कोड़ी यात्रा और पट्टी बोसम दिग्विजयम आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ए कानपुर, बी हमारा हिसार, जी डीसी हमारा झुंझुनू राजस्थान, सी डी हमारा सागर मध्य प्रदेश। तो सी झुंझुनू राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन व्याख्या, हाल ही में सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू इंस्टीट्यूट सैनिक अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मानेकशॉ ब्लॉक प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया। जो उन्होंने फील्ड मार्शल मनीष का को हम जो आदम प्रतिमा का जो अनावरण भी किया। रक्षा सचिव को नक्शे पर अवगत कराया गया और कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो कैडिटों को जो ड्रेस एरियल व्यू दिखाया गया। वर्ष 2018 में स्थापित यह स्कूल का जो 27वां सैनिक स्कूल है, जिसे जो रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। विद्यार्थी को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने 3 ऋण स्कूल परिवार और राष्ट्र के प्रति प्रेम को नहीं भूलने के बल दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कैंडिडेट है और जो गौरव स्कूल गौरव की नई जो ऊंचाइयों को पार करेंगे। कैंडिडेट मतलब स्कूल की जितनी ऊंचाइयाँ मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, कहने मतलब साइकिलों को जो इसमें सैनिक स्कूलों को जो उच्च परंपरा के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट हमारे लता मंगेशकर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज कराने के लिए पर्पज से रखा है। भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाने वाली जो जानी मानी गायिका लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। जो 22 वर्ष की थी वो 92 वर्ष की थी। लता मंगेशकर जी का जन्म जो 28 सितंबर 1929 में मराठी कौन की संगीतकार पंडित दीनानाथ के घर में हुआ था। इनका मूल नाम हेमा था, हेमा वेरी इंपॉर्टेंट। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। 1942 में लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया। वर्ष 1940 में उन्हें वसंत जोगलेकर द्वारा निर्मित फिल्म आपकी सेवा में के लिए पहला प्लेबैक गीत रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने 36 से अधिक भारतीय से जो भारतीय भाषाओं में कुछ विदेशी भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें से मुख्य रूप से हिंदी तमिल मराठी भाषाओं में रूप जो गीत जो प्रमुख हैं। 1974 में लंदन के रॉयल ऑर्बिट हॉल में प्रस्तुत देने वाली पहली भारतीय बनी 1974 में। 1984 में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लता मंगेशकर जी को स्थापना की थी, पुरस्कार की स्थापना की थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने गायन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 1992 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई। पुरस्कार और सम्मान इन्हें कौन कौन से मिले? भारत रत्न 2001 में, ये बार बार पूछा जा रहा है ये वाला, 2001 में मिला जो पद्म भूषण 1999, पद्म विभूषण 1969 में दादा साहब फाल्के, 1989 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फिल्म का 59 में, 63 में, 66 में, 70 में जो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 72, 74 और 90 के लिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2009 में प्राप्त हुआ इन्हें। गुलमर्ग में खुला दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये गुलमर्ग में खुला 22 फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू कैफे खुला गया है। यह है पर्यटनों का आकर्षण केंद्र है, चार्मिंग है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो गुलमर्ग में स्थित है जो इसकी रिसोर्ट इग्लू के नाम से यह कैफे स्थापित किया गया है। यह नए कैफे की ऊंचाई 37.5 फीट और जो व्यास जो इसका 44.5 फीट है, जो मोटाई 5 फुट है इसकी, 5 फुट की है। इसमें एक बार से 40 लोग जो खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं और इससे इसमें 64 दिनों के लिए तैयार किया गया है, 64 दिन में तैयार किया गया है, ये इस तरह से देख सकते हैं ये जो है। नेक्स्ट है हमारा इस इग्लू के लिए कैफे के निर्माता में लिए सैयद वसीम शाह ने दावा किया है कि ये दुनिया का पहले इस तरह का जो बड़ा कैफे है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से वर्तमान में सबसे इग्लू कैफे जो स्विट्जरलैंड में है, जिसकी ऊंचाई जो 33.8 फीट और जो व्यास जो 42.5
चार फीट है। नेक्स्ट है हमारा होप मिशन, होप एक्सप्रेस, सॉरी होप मिशन नहीं, होप एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, जो राजेश टोपे हैं, टोपे ने घोषणा की है कि राज्य के कैंसर के लिए रोकथाम के लिए होस जो होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। होप एक्सप्रेस के लिए अत्याधुनिक जो मोजेक 3D विवीकरण मशीन, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ मोजेक 3D रेडिएशंस मशीन की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोल्हापुर में एक निजी अस्पताल में आधुनिक मोजेक 3D मशीन का जो शुभारंभ किया है, इसके किया है। यह भारत की जो पहली जो मशीन है, जिससे यह योजना के माध्यम से हर देश की जो एक्सपो जो होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप ये जो OSWG का शुभारंभ किया गया, भारत और अमेरिका, भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और जापान, वन और भारत और फ्रांस, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम UK ने सुजेस्ट किया है ये। दूसरा हमारा अमेरिका, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म ऑफ द मॉर्निंग कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे जो विभिन्न नेताओं में सर्वे में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ए नरेंद्र मोदी जी, बी हमारा राष्ट्रपति जो बाइडेन, बी हमारा अमेरिका स्कॉट मॉरिसन, अमेरिका जो सॉरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री बोरिक जॉनसन है। तो ये हमारा इसमें जो हमारे नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट पे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा नेल्सन मंडेला जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मानद डायरेक्टर किसे सम्मानित किया गया है, ए हमारा अरिजीत सिंह, बी हमारा सोनू निगम, सी हमारा आदित्य नारायण, डी हमारा उदित नारायण। तो इसमें आदित्य नारायण इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा जो 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक PPI में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो 78वां, 168वां, 166वां, इसको नहीं, तो 168वां है भाई, 168। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, हाल ही में किसे जो वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ए हमारा डोमेन गैलगेट, बी हमारा घोल बीटी, सी हमारा मॉरबल जेम्स, डी हमारा एन्ना बंस। तो हमारा ए इज द डोमेन गैलगेट इज द करेक्ट आंसर। सिक्स हमारा निम्नलिखित कृतों पर विचार कीजिए, हाल ही में US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-2022 जारी की गई है, इसमें जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे साल एशिया की में टॉप पर रही है, तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं तो एक दो, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों सही है। हाल ही में भारत की अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन से पाकिस्तान को सबसे बड़ा युद्ध पोत दिया है, उसका नाम क्या है, PSNL तुर्गिल टाइप 054AP, CNN तुर्गिल टाइप 052AP और CYSP जो तुगलक टाइप 052AP, उनमें से कोई नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर, PNB तुगलक टाइप 054A/P। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हाल ही में जो होम रिडक्शंस कॉन्सेंटियंस द्वारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2000 जारी किया गया है, ईस्ट इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है, दिस थर्ड है मेरा, इसमें 90 देशों के जो भारत जो 26वें स्थान है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, केवल एक, केवल तीन, एक और तीन और एक और दो तीन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, केवल तीन। क्वेश्चन नंबर नौ है, गोवा मैरिटाइम जो कॉन्क्लेव के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना गुजरात आयोजित किया गया है, दूसरा जो भारतीय नौसेना द्वारा एडमिरल करमवीर सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की, में कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो और एक दो, तो बी इज द करेक्ट आंसर भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं अभी, जैसे वीडियो का है और रीट है आपका, UPT TET है, CTET है, UPSC है, PCS है, BPSC है, बहुत सारे डिफरेंट और भी हैं, तो ये तो मैंने मेन एग्जाम बताए, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो जो देख सकते हैं वो पिछले कहने से कुछ नहीं होता, जो आपका UK PCS में सारा लगा देता है, वीडियो पड़ी हुई है।